वेलकम टू पेन टेस्ट विद रोहित यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि वर्णक की मशीन्स पर कैसे अटैक किया जा सकता है या वर्णक की मशीन्स को कैसे हम लोग पेन टेस्ट करते हैं। इस पूरी चीज को हम लोग आज देखेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारी पोर्ट सिल्वर की लैब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो पोर्ट सिल्वर का लैब सोल्यूशन मैंने ACR पब्लिक एस्पिरेशन का दे दिया है ऑलरेडी, और मैंने इसका थ्योरी भी पूरी कम्प्लीट बता दी है। इसके अलावा हमारी पोर्ट सेवर की सीरीज जो है वो शुरू हो चुकी है, जिससे मैंने पोर्ट सेवर से आपको फैमिलियर करवाया। उसके बाद मैंने एक्सेस कंट्रोल एंड वल्नरेबिलिटी प्रिवेज एस्केलेशन का पूरा मैंने ब्यौरा समझाया कि ये चीजें आखिर में काम कैसे करती है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ लैब सॉल्यूशंस के बारे में बात की, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि हमने 1 घंटा 44 मिनट 13 सेकंड तक हमने इसको रन किया है। तो इसमें बहुत सारी चीजें मैंने बताई हैं, सिर्फ एक चीज नहीं, लैब्स के अंदर बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कवर की है। ऐसे हम लोग मशीन्स के अंदर ही बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। तो अब बारी है वर्णक की, और साथ साथ में हमारा कम्युनिटी सेक्शन भी शुरू हो चुका है। अब तो कम्युनिटी सेक्शन के अंदर मैं आपसे पूछूंगा कि कौन कौन सी चीजें हैं आप देखना चाहते हो, पहला कौन सा देखना चाहते हो। या तो मैं पहले ट्राई हैकनी को कवर करूँ, राइट, या तो फिर मैं पहले वर्णक को कवर करूँ, या मैं पोर्ट सिल्वर को कवर करूँ। तो कौन सी चीजें आप देखना चाहते हैं, क्या आपको पसंद आएगा पहले, या जरूरत किसकी है, उस हिसाब से मैं जल्दी से उस चीज को कवर करने की कोशिश करूंगा। राइट, जो भी आपका हो आप मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं उसी हिसाब से उस चीज को कवर करूं। सो पोल का जवाब दे सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ पर ओवास की सीरीज खत्म हो चुकी है। ओवास में जो टॉप 10 पे जितनी चीजें रहती है मैंने वहां पर बता दी है। और कोई वीडियो आप लोग चाहते हो किसी और टॉपिक को लेकर, वो हम करेंगे जल्दी। बट पहले हम लोग पोर्ट सिगर, वर्णक और ट्राई हैक में, ये मेरा मेन फोकस है। तो इनमें से कोई भी आप जल्दी से चूज कर सकते हो, उसमें से कौन सा पार्ट क्या आप देखना चाहते हो उसके बारे में आप बताकर। तो अब हम लोग करते क्या है, हम लोग चलते हैं कार्लिंक्स के अंदर, और हम यहाँ पर कुछ चीजें हमारी सीखेंगे कि कैसे चीजें इस पर की जा सकती है। राइट, तो हमारे पास एक मशीन है इसके अंदर जो मैंने डिप्लॉय कर रखी है। इस मशीन को सबसे पहले हम लोग स्कैन करेंगे, राइट, और जिसे हम लोग IP क्लचिंग कहते हैं या पोर्ट स्कैनिंग भी कहते हैं। सबसे पहले हम IP को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। IP कैप्चर करने के लिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो चीजों से हम लोग IP को कैप्चर कर सकते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ हमारा काम ये नहीं है कि इस मशीन को सॉल्व करे, हमारा काम यहाँ पर ये है कि हम इस मशीन को समझे, ठीक है। इसकी चीज क्या है, ये क्या चीज है, इसको समझे। सबसे पहले बता दूं कि जो मशीन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक इंटरमीडिएट लेवल की मशीन है, ठीक है। हालांकि इसके अंदर कोई बफर ओवरफ्लो या अननेसेसरी एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट जैसी चीजें नहीं है, बस ये आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेगी कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। थोड़ी सी ये चीज इसके अंदर आएगी, इसके अलावा कुछ ज्यादा मुश्किल ये चीज नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने नेटवर्क को स्कैन करते हैं और समझते हैं कि कहाँ पर हमारी चीज जो है, जो IP है वो कौन सा, जिसे हम लोगों को स्कैन करके हमें आगे चीजें पता करते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनुमरेशन करने से पहले हम स्कैन करते हैं, IP को कैप्चर करते हैं। तो दो चीजों से हम लोग कर सकते हैं, मैं यहाँ पर दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेता हूँ, सबसे पहले बड़ा कर लेते हैं, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेता हूँ वर्टिकली। तो दो तरीके हैं। सबसे पहले हमारे पास जो तरीका होता है जो कि ओल्ड स्कूल है, दैट इज कि हम लोग नेट डिस्कवर से करें। तो नेट डिस्कवर से होगा ये कि जितने भी इस के अंदर होंगी, राइट, या इस नेटवर्क के अंदर होंगी वो सारी की सारी हमें यहाँ पर ये बता देगा, ठीक है। दूसरा जो तरीका है गाइस, जो थोड़ा सा फास्ट है, दैट इज ARP। तो हम लोग ARP के थ्रू जल्दी पता कर सकते हैं एज कम्पेयर टू नेट डिस्कवर टूल, ठीक है। ये एक एक करके सब में स्कैन करेगा, हम यहाँ पर सीधा ethernet को स्कैन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग सारे के सारे को भी स्कैन कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो हम लोग यहाँ पर sudo ARP कर सकते हैं, या फिर आई थिंक इसका नाम है ARP -scan और -n,
तो मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। एंड एज यू कैन सी गाइस, हमने इतनी बातें करी तो यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ में आ चुका होगा कि मैंने इसको किया, अब जाकर आया और ये मैंने कितनी देर बात किया तब भी इतना जल्दी इसने रिजल्ट दे दिया। तो रिजल्ट को आप लोग कंपेयर कर सकते हो कि कौन जल्दी लाकर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर 3-4 है, मुझे पता है ये वाला है। सो हम इसको ही आपसे स्कैन कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं कि क्या यही वो आईपी एड्रेस है जो हमें चाहिए। तो जो ARP हाइफन स्कैन टूल है वो काफी फास्ट है नेट डिस्कवर से, तो आप लोग ARP हाइफन स्कैन कंसिडर करिए जब भी आप इस तरह का स्कैन करना चाहते हैं, नेटवर्क स्कैन करना चाहते हैं इस तरह का, ठीक है। सारे स्कैन पे ARP अच्छा नहीं हो सकता, बट हाँ इस तरह का स्कैन अगर आप करना है सेम नेटवर्क में सेम मशीन से तो आप लोग कर सकते हैं, राइट। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट है, और ये जो वेबसाइट है ये फ्रैंक टॉप की है, और इसमें एक होम पेज दिखाई दे रहा है सर्वर की वेबसाइट पे, एक होम पेज जहाँ पर एक रिज्यूमे टाइप वेबसाइट है, और काफी अच्छा टच इसको दिया गया यहाँ पर, राइट। सो वन पेज वेबसाइट है यहाँ पर, तो इसको हम लोग जो है अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो की जानी चाहिए वो यही है कि आप इसे पहले स्कैन कीजिए, सोर्स कोड को हम समझिए कि किस तरीके से ये वेबसाइट काम कर रही है, क्या इसके अंदर चीजें हैं, राइट। फ्रैंक वेबसाइट है जो कि अंडर डेवलपमेंट है, राइट। और बाद में यहाँ पर कस्टम फोन दे रखा है टेम्पलेट के लिए, कस्टम स्टाइल्स हैं, एंड देर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स विच इज गोइंग ऑन, ठीक है। सो इसमें सिर्फ सिंपल वेबसाइट है, ठीक है, कुछ ज्यादा इसके अंदर नहीं, बस सेक्शन बना रखे हैं और सेक्शन को एक एक करके यहाँ पर जो है कॉल किया जा रहा है, ठीक है। कॉल भी नहीं कहूँगा, मतलब सिंपली यहाँ पर दे रखा है, आप हैश टैग करके दे रखा है यहाँ पर आईडी, लेट्स से आदि सी, ये सेक्शन है, सेक्शन की आईडी है, ठीक है। और इस तरीके से हर एक सेक्शन की एक आईडी है, और उसको बाद में यहाँ पे नेविगेशन बार से आप लोग जो है यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। हैश अबाउट हैश टैग एक्सपीरियंस जो भी रहेगा, हैश टैग एक्सपीरियंस पे होगा तो हैश टैग एक्सपीरियंस पे आ जाएगा इस तरीके से, ओके। तो ये चीज यहाँ पर की जा रही है, तो यहाँ से जो आप लोग चीजें गैदर कर सकते हो सोर्स कोड से वो कुछ ये हो सकती है कि आप लोग पता कर लो कि यार ये कौन सी इस्तेमाल कर रहे, jQuery का वर्जन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, 3.3.1 कर रहे हैं, प्लगइन जो जावास्क्रिप्ट का दिख रहा है यहाँ पर, राइट। इस तरीके से बूटस्ट्रैप का 4.0.0 वर्जन यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये कुछ चीज़ें हो सकती है जो आप लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टम जावास्क्रिप्ट भी यहाँ पर है, तो इनके फंक्शन वगैरह पढ़ सकते हो, कई बार उनमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू कंसिडर, ठीक है। और OWASP के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी आपको यही चीजें करनी होती है। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या इसके हम लोग इसके ऊपर हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया अभी तक, हमने इसका IP पता कर लिया, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं इसका स्कैनिंग वगैरह कर लेते हैं। तो सिंपल है गाइस, हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें स्कैनिंग शुरू करनी है। स्कैनिंग शुरू करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एंडमैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अग्रेसिव स्कैन कर रहा हूँ, बट इन रियल वेबसाइट You don't have to do an aggressive scan. Remember guys, aggressive scan आपको नहीं करना है अगर आप real website पे इसको कर रहे हो कभी भी, इस बात का आपको जो है ध्यान रखना है। सो हम लोग nmap scan कर लेते हैं, right? Hyphen aggressive scan hyphen a. Aggressive scan से क्या होगा guys? Aggressive scan से ये होगा कि जो भी हमारा result है उसके अंदर जितने हम nmap से normally जितनी भी चीज़ें करते हैं, चाहे वो port scanning करते हैं, चाहे वो OS scanning करते हैं, ठीक है, और ट्रेस रूट हम लोग निकालते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग निकालते हैं, उसमें होप भी होता है, नेटवर्क डिस्टेंस होप कितना होगा, तो वो सारी की सारी चीजें आप लोग देखोगे कि अग्रेसिव स्कैन के अंदर हमारे पास आ जाती है। तो हमें मल्टीपल स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग एक स्कैन करके जो है बहुत सारी चीजें यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो स्कैन मैंने यहाँ पर शुरू कर दिए, अब आप लोग देखोगे कि बहुत सारे पोर्ट्स ओपन होंगे, एंड जो भी उसका वर्जन होगा पोर्ट का, ठीक है, और साथ साथ में वो पोर्ट ओपन है कि नहीं, HTTP का सर्वर हेडर क्या है, ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। ओके गाइस, सो एज यू कैन सी पोर्ट 21 इज ओपन, राइट, इसका वर्जन, और यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रखी हैं यहाँ पर इसके बारे में, कनेक्टेड टू दिस लॉग्ड इन एज FTP, ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर एनोनिमस FTP जो है अलाउड है आई थिंक, राइट, 230, और यहाँ पर SSH भी यहाँ पर बता रखा है ओपन है, SSH की होस्ट की दे रखी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे जैसे हम लोग आगे इन सब लैब्स पर काम करेंगे मैं आपको बहुत ही आराम से बहुत ही धैर्य से आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ यहाँ पर, तो आप लोग बस इन्जॉय करें इन चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत ही काम की, आज से पहले कभी भी ना इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ना इस तरीके से रिसर्च करके चीज़ें बताई गई हैं, ना ही बताई जाएगी, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि आप वो चीज़ें सीखो जो वो जानते हैं।
ये फैक्ट है, ठीक है। आप लोगों को कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो कि सब कुछ बता दे। आपको सिर्फ कोई ऐसा तभी मिल सकता है जिसको इन सब चीजों से इतना ये ना हो कि बस मुझे ही पता हो, ठीक है, वही आपको बता सकता है। वरना कोई भी आपको एक कभी नहीं बताएगा कि इन सब चीजों का मतलब क्या है। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि ये DSA, RSA, EDC, ये जो इसमें दिख रहा है क्या इसकी मदद से हम लोग कुछ कर सकते हैं, ठीक है, ये कभी नहीं बताया जाएगा, कभी भी नहीं। कुछ ये चीजें होती हैं जो मुझे आपको समझाने, मुझे रिवील करने एक तरीके से, तो मैं इस वजह से ये कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं थी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एज यू कैन सी द पोर्ट नंबर 80 इज ओपन, ठीक है। तो पोर्ट नंबर 80 तो यार ओपन है ही है, हमें कैसे पता? वो तो यार सिंपल सी बात है, यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो पोर्ट नंबर 80 होता है, ठीक है, नॉर्मली ऐसे ही होता है। वरना अगर कोई और पोर्ट नंबर यहाँ पर इस्तेमाल होता तो हमें कॉलन समथिंग करके यहाँ पर उसका पोर्ट नंबर लिखना पड़ता, राइट। तो इस तरीके से होता है, अगर कुछ भी यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब पोर्ट नंबर 80 ओपन है, वो हमेशा ओपन नहीं होता वैसे। तो पोर्ट नंबर 80 पे ये सारा कुछ चल रहा है, जो कि यहाँ पर अपाची वेब सर्वर का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें 2.22 का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ चीजें हैं, राइट। HTTP का टाइटल है फ्रैंक वेबसाइट अंडर डेवलपमेंट, इसी के साथ HTTP सर्वर हेडर है जहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है, राइट। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, मैं वापस से पेज सर्च करता हूँ, एंड द टाइटल इज फ्रैंक वेबसाइट अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। तो वही सेम चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि फ्रैंक वेबसाइट अंडर डेवलपमेंट, ये हमें टाइटल में देखने को मिल रहा है। हमेशा बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें सोर्स से मिल जाती है। सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पता चली है वो ये पता चली है कि ये जो वेबसाइट है ये अंडर डेवलपमेंट में है। ओके, सो अंडर डेवलपमेंट से बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आज आप लोग जान जाओगे अंडर डेवलपमेंट वेबसाइट है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि पोर्ट नंबर 8011 यहाँ पर ओपन है और यहाँ पर 2.2.2 यहाँ पर Ubuntu में चल रहा है। सो यहाँ से हमें समझ में आ चुका बहुत अच्छे तरीके से कि जब भी कोई वेबसाइट अंडर डेवलपमेंट में होती है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो फ्रंट वेबसाइट होती है, मतलब जो वेबसाइट यहाँ पे दिखाने के लिए होती है, जो मतलब यहाँ पे दो वेबसाइट यहाँ पे चल रही है, आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पर 8011 पे चल रही है एक वेबसाइट, ठीक है, 8011, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सो गाइज, यहाँ पर दो वेबसाइट चल रही है, एक डेवलपमेंट सर्वर है और एक यहाँ पर एक्चुअल जो सर्वर यहाँ पे दिखाने के लिए लोगों को है, ठीक है, फ्रंट पे। तो डेवलपमेंट सर्वर का या डेवलपमेंट का मतलब ये है कि एक इसका एक्चुअल है जहाँ पर डेवलपर्स काम कर रहे हैं, जहाँ पर सारा की सारी चीजों को क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद उसको बाद में पुश करके जो है यहाँ पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। अब जिन लोगों को पुश समझ में नहीं आया, मैं गिट वर्जन कंट्रोल की बात कर रहा हूँ, जो डेवलपमेंट में है या जो डेवलपर है वो मेरी बात समझ रहे होंगे, जो लोग नहीं है वो आगे चल के समझ जाएंगे कि डेवलपमेंट क्यों जरूरी है। सो अब यहाँ पर देखो हुआ क्या कि यहाँ पर ये वेबसाइट है, वेबसाइट डेवलपमेंट में है, डेवलपमेंट में डेवलपर इसको डेवलप करके यहाँ पर डेवलप करते हैं, उसको रियल टाइम में देखते हैं, ठीक है। देखने के बाद इसको बाद में यहाँ पर गिटअप पे यहाँ पर पुश कर सकते हैं, यहाँ पर वैसे ही पुश भी कर सकते हैं, उनकी इच्छा जैसे मर्जी वो करे। तो उसके बाद यहाँ पर रियल में ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है, सिंपल। अब इसी तरीके से हम और चीज भी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड दिस थिंग्स। ओके, सो ये सब चीजें पता लग गई, राइट। इसके अलावा ट्रेसलेट वगैरह भी हम लोग कर सकते थे, जो यहाँ पर नहीं किया गया, लिनक्स का कर्नल वगैरह वर्जन अगर निकालना है तो निकाल सकते हैं OS स्कैन करके, बट अभी हमें उसकी जरूरत नहीं, आगे हमें जरूरत पड़ेगी। सो हम लोग क्या करते हैं, पोर्ट 80 हमें ओपन था पता चल गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है ये सब करने के बाद वो ये है कि हम सारे के सारे डायरेक्टरी निकालें इसकी, ये कितनी पॉसिबल डायरेक्टरी हो सकती है। अब अगर आप नॉर्मली इसको इस तरीके से करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो देर इज नथिंग 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 नथिंग, राइट। सो यहाँ पर हैशटैग अवॉर्ड, हैशटैग इंटरेस्ट, इस तरह, बट दीज आर नॉट डायरेक्टरी, राइट, दीज आर द ID ऑफ दिस पर्टिकुलर सोर्स। तो हमें यहाँ पर डायरेक्टरी निकालनी है। डायरेक्टरी क्या आप इस तरीके से निकाल सकते हो, मतलब इस तरीके से नहीं, आप सोर्स कोड से इस तरीके से नहीं निकाल पाते कई बार, क्योंकि वो देख नहीं रखी होती, वो मेंशन नहीं कर रखी होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरा तरीका जो होता है दैट इज की साइट मैप डॉट XML, तो हम लोग साइटमैप.xml निकाल सकते हैं। ओके, बट इसके पास कोई साइटमैप.xml नहीं है, ठीक है। एक और जो चीज होती है, मतलब बेसिकली robot.txt साइटमैप.xml से आप निकाल सकते हो, बट कई बार वो चीज नहीं दी होती है। अगर ये चीज ना दे रखी हो तब आप लोगों को करना होता है डायरेक्टरी स्कैनिंग, राइट। तो डायरेक्टरी स्कैनिंग किस तरीके से की जाती है, क्या उसका रहता है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो बहुत ही ईजी है, हम लोग डरबस्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
ओके तो यहाँ पर एक्चुअली ये गलत हो गया, हमें 168 करना है यहाँ पर। ओके यहाँ पर सी जी आई बिन है, सी एस एस है एंड और भी चीज़ है। कि हम लोगों को परमिशन नहीं है सी जी आई बिन देखने की, कोई बात नहीं। ओके यहाँ पे सी एस एस है, कुछ खास नहीं। यहाँ पे डेवलपमेंट का एक सर्वर है, तो डेवलपमेंट में यहाँ पर हम लोग ओके एक्चुअली या तो ये चीज़ें बतानी चाहिए कि डेवलपमेंट का सर्वर है तो वहाँ पर लॉग इन करने के लिए जाहिर सी बात है कुछ होगा, तो डेवलपर कैसे लॉग इन करते हैं, डेवलपर यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं राइट। गाइस आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन लेफ्ट ओवर डिबग कोड, या फिर इस तरह की मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि ये चीज़ होती है, और मैंने उसमें ये चीज़ बताई हुई थी कैसे ये चीज़ बहुत खतरनाक हो सकती है आई थिंक। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल है, डेवलपमेंट सर मिल गया और कोई चीज़ यहाँ पर। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें डेवलपमेंट का सर्वर मिल चुका है और ये टेस्टिंग साइट है, लेकिन ये ऑथेंटिकेशन मांग रही है और हमारे पास अभी ऑथेंटिकेशन तो नहीं है, बट हम और चीज़ें इसमें चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इंडेक्स है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, और लाइसेंस रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी सर्वर स्टेटस। ओके यहाँ पर इंडेक्स जो कि आई थिंक सेम यही है। ओके तो नथिंग स्पेशल, अब हमें क्या करना है, इसका हमें चाहिए होगा बट लेट्स सी, हमें तो यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला नथिंग। अच्छा तो यहाँ पे देखो एक और वेबसाइट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है यार, मतलब एक और वेबसाइट है यहाँ पे, तो ये डेवलपमेंट की है, तो इसको भी हम लोग जो है कर लेते हैं, क्या पता यहाँ से हमें कुछ मिल जाए, क्योंकि डेवलपमेंट पे लॉगिन करने के लिए जो चीज़ हमें मिलेगी वो डेवलपमेंट सर्वर से ही मिल सकती है, डेवलपमेंट वाले डायरेक्टरी से मिल सकती है। इसको भी ट्राई कर लेते हैं कि बाकी चीजें हम लोग देख चुके हैं राइट, सर्च कर चुके हैं, हम लोग इसको ऊपर भी वेबस्ट्रो का ट्राई कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पर एपीआई अवेलेबल है ठीक है। एपीआई हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस राइट, यानी कि इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए ठीक है, एक सर्वर से दूसरे में कम्युनिकेशन करने के लिए। सो दिस इज व्हाट एपीआई डू, सो जहाँ पर वही काम इस्तेमाल हो रहा है, तो एपीआई विल बी टू कम्युनिकेट विद फ्रैंक सर्वर, फ्रैंक सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पे एपीआई इस्तेमाल की जा रही है, बट ये अभी भी अंडर डेवलपमेंट है ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें दे रखी हैं इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, देखते हैं मतलब कौन सी एपीआई का क्या काम है राइट। तो यहाँ पे इसको हम डालते हैं एंड सबसे पहले हम लोग वेब डॉट एपीआई का देखते हैं इसका क्या काम है, यहाँ पर कुछ काम है भी कि नहीं। ओके यहाँ पर देखो एक और चीज मुझे आपको बतानी है कि यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं बैनर, या फिर बैनर नहीं इसको बोलेंगे रिस्पॉन्स ठीक है, या रिस्पॉन्स या बैनर जो मर्जी बोल लो। बेसिकली ये चीजें कुछ होती हैं ऐसी जिससे आप एक्चुअल चीजों को पता लगा सकते हो, मतलब जो काफी लोग करते गए, मतलब इस चीज को पता करने के लिए भी बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं कि पोर्ट कौन सा है, या फिर मतलब सर्वर कौन सा है, या अपाचे है, एंजिनिक्स है, या टॉमकैट है, या ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो ये गाइस आपको ऐसे किसी टूल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, ये आपको जनरली ऐसे ही दिख जाता है, तो थोड़ा सा आपको इन चीजों पर ध्यान रखना है कि आप ऐसे ही चीजें देख सकते हैं, आपको हर बार टूल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है रिकॉर्ड्स एपीआई डॉट पीएचपी, इसको हम लोग देख लेते हैं, शायद इसमें रिकॉर्ड्स वगैरह हों कुछ। ओके इसके अंदर भी कुछ नहीं है। ओके नेक्स्ट हमारे पास है फाइल्स अंडर स्कोर एपीआई डॉट पीएचपी ठीक है, हो सकते हैं इसके अंदर कुछ फाइल्स हो। ये जो काम होता है हमारा, मतलब पेन टेस्टिंग में यही होता है कि आपको बहुत ही धैर्य से काम करना पड़ता है। ओके सो यहाँ पे देखो नो पैरामीटर कॉल्ड फाइल पास टू मी, नोट दिस एपीआई डोंट यूज जेसन, सो सेंड द फाइल नेम इन रॉ फॉर्मेट। ओके ओके नेक्स्ट वाला कौन सा, डेटाबेस एपीआई डॉट पीएचपी, तो डेटाबेस एपीआई डॉट पीएचपी को देख लेते हैं, शायद इसमें कोई कनेक्शन हो, या फिर इसके अंदर डेटाबेस वाली कोई फाइल हो, कुछ भी हो सकती है चीजें, मतलब देखना तो बनता है। नथिंग, सो इन एपीआई में से एक ही एपीआई जो मतलब अभी हमारे पास काम में आ रही है, बट ये एपीआई भी काम नहीं कर रही है। यहाँ पे लिखा है सिर्फ नो पैरामीटर कॉल फाइल पास। ओके एक मिनट, तो यहाँ पे लिखा है नो पैरामीटर कॉल्ड फाइल पास टू मी,
तो इसको एक पैरामीटर चाहिए जिसका नाम फाइल होगा, ठीक है। और यहाँ पर दिस एपीआई डोंट यूज जेसन, सो सेंड द फाइल नेम इन रॉ फॉर्मेट। तो हमें रॉ फॉर्मेट में इसको देना है, ओके। और यहाँ पर फाइल नाम का पैरामीटर इसको चाहिए, सिंपल है, राइट। सो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, पैरामीटर, राइट। तो पैरामीटर मतलब इसको कुछ चाहिए, पैरामीटर कौन सा चाहिए, इसको चाहिए फाइल पैरामीटर। फाइल पैरामीटर में कुछ भी हो सकता है, हम लोग नॉर्मल यहाँ पे चीजें कर सकते हैं, मतलब है ना, हम लोग यहाँ पे कोई फाइल का नाम दे देते हैं, फाइल का नाम दें कुछ मिलेगा तो है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर ये सब चीजें ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, ओल्ड स्टफ, ओके। हैकर डिटेक्टेड योर आईपी एड्रेस इज दिस रॉन्ग इनपुट, ओके। सो यहाँ पे हमें कुछ बता तो रखा नहीं वैसे, मतलब क्या हम लोगों को डालना है, ठीक है, कुछ ऐसा हिंट भी नहीं है। अच्छा यहाँ पे दे रखा हो, क्या बता, नहीं कोई हिंट नहीं है, कोई हिंट नहीं है, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, अब लॉजिक लगाते हैं, ठीक है, ये चीज यहाँ पे काम नहीं कर रही है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, ओके वेट, सो हैकर डिटेक्टर, राइट। तो हैकर डिटेक्ट कर रहा है मेरे इस एक्टिविटी से, और ये एक्टिविटी गेट एक्टिविटी है, राइट। हाँ, जिनको नहीं समझ में, मैं आपको समझा देता हूँ। गेट एक्टिविटी से मेरा मतलब है कि अगर आप देखोगे यूआरएल पे, अगर हम लोग इस तरीके से फाइल पैरामीटर करके करते हैं, तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें फ्रैंक नाम की फाइल ला कर दो, ठीक है, हम इसको ये बोल रहे हैं। सो दो, जब कोई चीज मांग रहे हो तो आप गेट होगी वो चीज, राइट। तो अगर हम इसको चेंज करते हैं, मतलब रिक्वेस्ट मेथड को हम लोग चेंज कर दें, जो कि मैंने ACL के अंदर बहुत सारे लैब्स में मैंने किया था, कि मैंने रिक्वेस्ट मेथड को चेंज किया था। अब उस रिक्वेस्ट मेथड को जो मैंने चेंज किया था, वो मैंने बब सूट से किया था, बट आज आप लोगों को मैं एक नया तरीका बताता हूँ कि कैसे आप लोग, हाँ कैसे आप लोग जो है इसको मैनुअली कर सकते हैं, राइट। तो ये एक अच्छी चीज हो जाएगी यहाँ पर, हम इसको मैनुअली करेंगे आज, क्या बात है। सो कैसे मैनुअली करना है, बहुत ही सिंपल है गाइस। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जाते हैं और जो हमारा यहाँ पर ये पूरा का पूरा पैरामीटर है, इसको यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको बाईपास करेंगे, ठीक है। बाईपास करने के लिए हम लोग जो है कर्ल का इस्तेमाल करेंगे। कर्ल के अंदर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, कर्ल के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। तो कर्ल की मदद से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है, बहुत बहुत सारी। पोस्ट डेटा करना, ट्रांसफर करना लोकल फाइल को डेस्टिनेशन पर, साइलेंट मोड है इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, ठीक है। इंक्लूड प्रोटोकॉल रिस्पॉन्स एड्रेस इन एंड आउटपुट, परपोज डॉक्यूमेंट बनाना एंड और एक बहुत सारी इसकी मैनुअल में अगर हम लोग जाके देखें, इसका खुद का मैनुअल भी है। तो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच यू कैन डू विद कर्ल, ठीक है। हर एक टूल की अपनी अपनी एक अच्छी चीज़ होती है, मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ होती है, बट हम लोग कुछ ही इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को कर्ल के बारे में समझाऊंगा कि कैसे आप लोग कर्ल की मदद से जो चीज़ हम बग सूट से करते हैं, वही सेम चीज़ आप लोग जो यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट मेथड को चेंज कर दूंगा, देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कर्ल हाइफन एक्स, एक्स का मतलब होता है कि आपको गेट चाहिए या पोस्ट मेथड आप लोग करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर पोस्ट मेथड इस्तेमाल करना है। उसके बाद क्या होता है, हाइफन डी पैरामीटर की मदद से मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको पैरामीटर प्रोवाइड कराऊंगा कि मैं कौन से पैरामीटर की बात करूँ। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है। तो हमें फाइल चाहिए, मतलब क्वेश्चन मार्क के बाद जो आएगा, क्वेश्चन मार्क के बाद आएगा फाइल इक्वल टू, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं ETC पासवर्ड, राइट। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका आपका URL था, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, पूरा का पूरा यहाँ पे आप लोग को डालना है, ठीक है। और यहाँ से बैक साइड से मैं इसको करता हूँ कि इसके बाद जो पैरामीटर है, मैंने इतना यहाँ पर डाल दिया और आई थिंक काफ़ी है। सो ओके गाइस, एज यू कैन सी दिस इज LFI, लोकल फाइल इंक्लूजन, राइट। सो मैंने इसके अंदर ETC पासवर्ड यहाँ पर डाला और यहाँ पर लोकल फाइल इंक्लूजन यहाँ पर हो गया। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि यार ये आप वहाँ पर भी डाल सकते थे, ओके मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैंने इसको यहाँ पर डाला तब भी ये इसको डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है, इसने इसको डिटेक्ट कर लिया। चलो मैं इसको हटा दूँ, कॉमा डालता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये लोग तो इसने यहाँ पर इसको डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि ये गेट को इसने क्या कर रहा है, गेट को डिटेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पर डालोगे तो यहाँ पर इस तरीके से करेगा, तो ये गेट को यहाँ पर डिटेक्ट कर रहा है। तो मैंने इसका मेथड चेंज कर दिया, ठीक है, मैंने सिर्फ इसका मेथड चेंज किया और ये काम कर गया। सो दिस इज जैसे चीजें काम करती हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, और भी चीज यहाँ पर देखते हैं। हमारे पास एक चीज यहाँ पर मिल चुकी है हमें LFI, ओके, बट ये LFI से हम लोग आगे कैसे काम करें, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बट इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं बट हम इसको ऐसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। हमें अभी चाहिए
इसका ऑथेंटिकेशन और ये बहुत सारी चीजें। तो हम लोग इतना क्या करते हैं, डेवलपमेंट सर्वर पे पहुंच जाते हैं। अब इस डेवलपमेंट साइट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मिल सकती है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ओके, API, index.html, ओके। तो देखो होता क्या है कि किसी भी डेवलपमेंट साइट के अंदर, ठीक है, हमेशा एक चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं कि क्योंकि एक डेवलपमेंट साइट है, राइट, तो यहाँ पर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं बैक फाइल। ठीक है, बैक फाइल क्या होती है, बैकअप फाइल होती है। ठीक है, तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। मैं बैकअप फाइल समझा देता हूँ कि वो क्या चीज होती है, कैसे होती है। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं और index.html, एक तो होती है जो index.html है, एक होती है index.html.backfile। ठीक है, तो backfile यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो backfile है ये बैकअप फाइल होती है, ठीक है, डेवलपमेंट से जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ .3k फाइल आप सर्च कर सकते हैं, फाइल एक्सटेंशन। तो .bk फाइल एक्सटेंशन एक ऐसा फाइल नेम एक्सटेंशन है जो कि कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है बैकअप करने के लिए किसी फाइल का। ठीक है, सो व्हेन अ प्रोग्राम इज अबाउट टू ओवरराइट एन एग्जिस्टिंग फाइल, फॉर एग्जांपल व्हेन अ यूजर सेव्स अ डॉक्यूमेंट दे आर वर्किंग ऑन, द प्रोग्राम मे फर्स्ट मेक अ कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल विद अ डॉट बैक अपेंडेड टू द फाइल नेम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब भी कोई फाइल अपने आप को ओवरराइट करना चाह रही होती है वहां पर एक कॉपी है वो अपने बना लेता है हमेशा। ठीक है, ये चीज यहाँ पर हो रही है। तो इसी वजह से यहाँ पर index.html में काफी सारे ओवरराइट किए होंगे। ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पर एक बैकअप फाइल बन चुकी है और इस बैकअप फाइल के अंदर हमें कुछ चीजें मिल सकती है। सो हम लोग क्या करते हैं, इस बैकअप फाइल को एक्सेस करते हैं यहाँ से, ओपन टर्मिनल। ओके, सो हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या चीज है। ओके, तो यहाँ पर हेडिंग, हेडिंग के बाद पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद यहाँ पर कुछ चीज है। ओके, सो एज यू कैन सी आई विल यूज फ्रैंक दिस एज द एसटीटी पासवर्ड फाइल टू प्रोटेक्ट द डेवलपमेंट पाथ। ठीक है, तो .ht पासवर्ड, अभी .ht पासवर्ड का मतलब क्या है, तो .ht पासवर्ड का मतलब होता है गाइस कि आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि इस वेबसाइट के अंदर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर अपाचे इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, और ht access और ht पासवर्ड दोनों ही फाइल्स है किसकी, अपाचे की। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आप देखोगे कि इट इज अ फ्लैट फाइल यूज टू स्टोर यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर बेसिक ऑथेंटिकेशन ऑन अपाचे HTTP सर्वर। द नेम ऑफ द फाइल इज गिवन इन द HTTP एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन एंड कैन बी एनीथिंग, ऑल्दो HTTP पासवर्ड इज अ कैनोनिकल नेम, राइट। सो ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि अपाचे HTTP सर्वर पे ऑथेंटिकेशन करवाने के लिए यहाँ पर एक फ्लैट फाइल है जिसका नाम है HTTP पासवर्ड, जिसके अंदर यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर होते हैं। ओके, तो दिस इज व्हाट वी नीड, राइट। सो अब अगर आपको समझ में आ चुका हो कि क्या हुआ, यहाँ पर अपाचे वेब सर्वर है, उसके अंदर हमें फाइल कहाँ से मिली है, index.back से ओवरराइट करते वक्त जो कि डेवलपमेंट सर्वर पे आई थी, तो उसकी हमें चीजें मिल चुकी है, उसी के ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग इसके यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल। सो यहाँ पे क्या चीज है कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको, सो ये पासवर्ड है यहाँ पर, इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, हमें इसे क्रैक करना पड़ेगा, तो इसे क्रैक कर लेते हैं। उससे पहले हम इसे किससे क्रैक करना, चलो जॉन जॉन से हम लोग इसको क्रैक कर लेते हैं, राइट। सो पहले इसको हम लोग सेव कर लेते हैं फाइल के अंदर, ऐसे नाम देता हूँ hash.php, Ctrl+X, Y, एंटर। तो यहाँ पर जो है ये फाइल सेव हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मैं जॉन का यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, और hash.txt को हम लोग क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है चीज़ें, यहाँ पर इसका फ्रैंक है। ओके, और ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है, राइट। तो और भी यहाँ पर कुछ चीज़ें शायद लिखी हुई हैं, और ये इसका पासवर्ड है। तो इसको हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, फ्रैंक और
अनफिनिश्ड और सिक्योरिटी फॉर रिव्यू। ओके कोई बात नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे देखो अपलोडर टूल, ठीक है। सो अपलोडर टूल को सिक्योरिटी चेक की जरूरत है। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो इसका नाम है अपलोडर, आई थिंक यही इसका नाम होगा, जनरली लोग ऐसे सोचते हैं। ओके सो फ्रैंक अपलोडर स्क्रिप्ट बेटा वर्जन, राइट। ओके यार इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब ये ऑब्सेसिव पर्सन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अपना नाम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है ना, मतलब फ्रैंक टॉपे या टॉप जो भी नाम है इसका, हर जगह पे इसने ये इस्तेमाल किया। यहाँ पे फ्रैंक की वेबसाइट, फ्रैंक का डेवलपमेंट सर्वर, फ्रैंक का अपलोडर स्क्रिप्ट, काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक फ्रैंक है, काफ़ी फ्रैंक है। एंड आई जस्ट लव पैटर्न्स, मोर टू राइट लेटर वंस आई फिनिश द वेबसाइट। ओके सो एज यू कैन सी आई जस्ट लव पैटर्न्स, इसे पैटर्न बहुत पसंद है और जब ये लिखना खत्म हो जाएगा तो मैं लिखूंगा, मतलब और ज्यादा मैं लिखूंगा जब मैं वेबसाइट को फिनिश कर लूंगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं तो ऐसे बहुत चीजें लिखी होती है कई बार। ओके तो फ्रैंक वेबसाइट अपलोडर स्क्रिप्ट बेटा वर्जन और यहाँ पे सिलेक्ट इमेज टू अपलोड, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके तो यहाँ पर हम लोग अपना जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ पर अपना अपलोड कर सकते हैं, राइट। पेज पे रिवर्सल या रिवर्सल, सो हम लोग क्या करते हैं इसको ट्राई कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल सिस्टम में जाते हैं और काले के अंदर पहले से होते हैं, अच्छी बात है, नहीं तो हमें करना पड़ता डाउनलोड वगैरह। तो हम लोग ETC में जाते हैं, आई थिंक नॉट ETC, इट विल बी इन यूज़र, आई थिंक यूज़र शेयर, एंड देन यहाँ से वेब शेल्स को सर्च कर लेते हैं, वेब शेल्स। ओके वेब शेल्स, वेब शेल्स के अंदर यहाँ पर PHP है, PHP के अंदर यहाँ पर PHP रिवर्स शेल। ओके सो गुड, हम इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके कॉपी कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, डेस्कटॉप पे बैठते हैं और इसको यहाँ पर क्रिएट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं हम लोग, या फिर इसको यहाँ पर हम लोग पेस्ट भी कर सकते हैं जैसा हमें ठीक लगे। सो एक नया फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, राइट, मतलब डेस्कटॉप पर ही यहाँ पे जाते हैं, नया फाइल एक क्रिएट कर लेते हैं, एम्प्टी फाइल, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं शेल डॉट या फिर लॉल डॉट जेफ, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि अगर आप लोग चाहते हो, मतलब होता क्या है कि हमेशा आप लोग देखोगे कि जब भी वो स्कैन करता है किसी को, कौन जो भी स्कैन करने वाला मटेरियल होगा, वो कोई टूल हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, तो वो हमेशा फर्स्ट लाइन को पढ़ता है, तो सेंटेक्स वहीं से क्लियर हो जाता है। कई बार देखना सेंटेक्स, जैसे अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो यहाँ पे PHP होता, ये यहाँ पे नहीं होता तो डॉक टाइप HTML होता या कुछ और होता, तो हमेशा फर्स्ट लाइन को बहुत ही बारीकी से देखा जाता है कि वो कौन सा फॉर्मेट है जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर मैं बात करूँ GIF 98 की, अगर मैंने इसको मैंशन कर दिया यहाँ पर, तो होगा क्या कि GIF 98 एक बाईपास की तरह काम करता है, ठीक है, एक फाइल फॉर्मेट है। Sometimes the server does not check the extension, instead check the header of a file. So using GIF 98 or GIF 98 we can bypass the security. So GIF 98 का यहाँ पर बहुत बड़ा काम है। अगर मैंने यहाँ पे GIF 98 का इस्तेमाल कर दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी वो header of the file यानी कि इसको चेक करेगा, तो उसे ये लगेगा कि ये एक GIF फाइल ही है, क्योंकि एक्सटेंशन को चेक करने के बाद जो दूसरा काम वो करता है वो ये करता है कि वो header of a file को चेक करता है। तो मैंने header of file को क्या कर दिया, GIF 98 बता दिया, so GIF file या GIF file. So nice ना, so we bypass simply, वरना बहुत सारे बाईपास करने पड़ते हैं ना, फालतू में इतना टाइम कौन लगाए। तो हमने ये काम कर दिया, इसके बाद हम इसको कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद हम और भी चीज़ें यहाँ पर करनी है, इतने काफ़ी नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास IP है, यहाँ पर पोर्ट नंबर है, जो भी हम लोग चाहते हैं। मैं यहाँ पर चाहता हूँ अपना पोर्ट, अपनी IP और पोर्ट यहाँ पर डाल दूँ। मेरी IP यहाँ पर बता रखी थी इसने, रिडेक्ट कर ली थी यहाँ पर, कहाँ पर रिडेक्ट की थी इसने, अच्छा चला गया क्या, यहाँ पर था। सो ये मेरी IP, ये मुझे यहाँ पर देनी है, इस मशीन की IP, ठीक है। ओके तो यहाँ पे आते हैं और मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया सिंपली, और यहाँ पे पोर्ट 1.1.3.4 आने देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ, सिंपल सिंपल सेव कर देते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना अपलोड कर सकते हैं हम लोग, और अपलोड करने से पहले हम लोग अपना स्टार्ट भी कर सकते हैं जो हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। सो ओके सो अब कुछ बात बनते हुए दिखाई दे रही है। हम लोग क्या करते हैं सिंपली
अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने वाला कहाँ गया? ओके सो इसका हम वो कर देते हैं अपलोड। अपलोड इमेज, द फाइल हैज बीन अपलोड टू माई अपलोड पाथ। ठीक है ओके तो माई अपलोड पाथ, अब ये माई अपलोड पाथ कहाँ पर है? इसका फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, सो यू योर फाइल वॉज नॉट अपलोडेड। अच्छा ओके तो यहाँ पर हम लोगों को पाथ नहीं पता, और जब तक हमें पाथ नहीं पता हम लोग आगे काम नहीं कर पाएंगे। चलिए कोई बात, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं जब तक पाथ मिलता है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अपना पेलोड कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, देखो हमें एलएफआई मिल चुका है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ साथ में हमें अपना नेटकैट भी शुरू कर लेना चाहिए, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर अपना नोटा ओपन करते हैं। सबसे पहले हम यानी कि नेटकैट अपना लिस्टनर शुरू कर लेते हैं। पोर्ट नंबर 134 ही मैंने रहने दिया था, मैं वही डाल देता हूँ। वहाँ लिस्टनर स्टार्ट है, अब हमें क्या करना है हमें ओके तो हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। हमें एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली है, ठीक है, कि अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे काफ़ी जगह पे इसने फ्रैंक अपलोड्स या फ्रैंक फ्रैंक इस्तेमाल किया, तो मुझे लग रहा है कि फ्रैंक अपलोड्स भी इसे एक हो सकता है। ये सजेशन जो आते हैं दिमाग में, ये आप दो तरीके से कर सकते हो, कि एक तो टेक्निकली ये होता है नॉन टेक्निकल चीज़। नॉन टेक्निकल स्टफ में ये होता है कि आप लोगों को साइकोलॉजी समझनी होती है इंसान की। तो आप लोग जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रैंक टॉप पे फ्रैंक फ्रैंक हर जगह यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। सो देर आर हाई चांसेस कि फ्रैंक अपलोड इसका ब्रेकफ्री हो सकती है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग जाते हैं हम लोग अपलोड डॉट पी एच पी जो यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर अपलोडर यहाँ पे इस्तेमाल किया जाए, तो मैं यहाँ पे फ्रैंक अपलोड्स यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैंक अपलोड्स कर देते हैं। अब यहाँ पर जब आप इस लैब को सॉल्व कर रहे होगे, तो मैंने इसको पता लगाया है टेक्निकली भी और नॉन टेक्निकली भी, ठीक है। मैं आपको नॉन टेक्निकली बता रहा हूँ, दूसरा जो तरीका है वो आपको नॉन टेक्निकली मिलेगा, ठीक है। जो मैंने बताया कि आप इस तरीके से कर सकते हो, मतलब कि पर्सन की साइकोलॉजी को समझ कर आप इस तरीके से आओ, जो पहला तरीका है वो है टेक्निकली। तो वो दोनों तरीके यहाँ पर पॉसिबल है, बट मैं आपको नॉन टेक्निकल बता रहा हूँ, ताकि एक चीज़ यहाँ पर मिल जाए आपको कि आप इस चीज़ को खुद ढूंढो। जब आप इस लैब को सॉल्व करो, तो आप इस चीज़ को खुद ढूंढिए कि कैसे मैंने टेक्निकली पता लगाया होगा कि फ्रैंक अपलोड ही इसका है, ठीक है। सो इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ, यहीं कहीं पर इसका जवाब है, कहीं ना कहीं यहीं पर इसका जवाब है, ठीक है। आपको ढूंढना है खुद ही, ठीक है, आपको खुद ढूंढना है। जब आप इसको ढूंढ लोगे, तो आप लोगों को कमेंट में मेंशन करना है कि आपने वो कैसे ढूंढा, ठीक है। सो फ्रैंक अपलोड आप लोगों को ढूंढना है कि टेक्निकली आप कैसे ढूंढ सकते हो। साइकोलॉजी में बता दिया कि इसका सेम नाम हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा था, ये एक ऑब्सेसिव पर्सन है, इस वजह से यहाँ पर फ्रैंक अपलोड यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, फ्रैंक अपलोड्स में जाते हैं, और यहाँ पर मेरे लॉर्ड डॉट जीफ यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है, सिंपल। ओके सो आगे बढ़ते हैं, और हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग अपना आया कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं, हमारा ये स्टार्ट हो रखा है, ठीक है, नेटकैट। और यहाँ पर हम लोग इसको अलग से ओपन कर लेते हैं, राइट, या फिर यहाँ पर भी ठीक रहेगा, यहीं पर कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर से हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे कर्ल कमांड से। सो यहाँ पर मैं दोनों चीज़ों को कवर करूंगा, जो मैंने शेड जो लॉर्ड और जीफ मैंने यहाँ पर अपलोड कर रखा है, मैं उसको रिक्वेस्ट करके यहाँ पर एलएफआई वल्नरेबिलिटी को ट्रिगर करने की कोशिश करूंगा। तो वो मैं कैसे करूंगा आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कॉल कर्ल हाइफन एक्स, या आप मैथ्री कौन सा चाहते हो, मैं यहाँ पर मैथ्री चाहता हूँ, पोस्ट हाइफन डी, यहाँ पर मेरा पैरामीटर होगा, यहाँ पर मेरा पैरामीटर है फाइल इक्वल टू पैराग्राफ रखा था, बट इस बार हमारा होगा बार, ठीक है, बार www, यहाँ पर होगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो है किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यहाँ पर अपाचे का, ठीक है। अपाचे का जो होता है वो कौन सा होता है, वार डब्ल्यू के अंदर ही वो हमेशा रहता है, ठीक है, नॉट इसका बट डेवलपमेंट का तो हमेशा इसमें ही रहता है, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट में है, तो वार डब्ल्यू के अंदर होगा, इसके बहुत चांसेस है, इस वजह से यहाँ पर वार डब्ल्यू का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि HTTP पासवर्ड था, अपाचे था, 2.22 था, तो वहाँ से मुझे आइडिया लग गया कि यहाँ पर वार डब्ल्यू यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर डेवलपमेंट का जो है स्टफ आता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा बाकी की चीज़ें हैं, लाइक अपलोडर था, अपलोड डायरेक्टर के बाद यहाँ पर हमने पता लगाया कि फ्रैंक अपलोड्स था, उसके बाद हम लोगों का जो शेयर डॉट जीफ है वो यहाँ पर आएगा, या फिर
राइट, हमारे यहाँ पे लॉर्ड लॉर्ड चीफ। इसके बाद यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आएगा जो हमने निकाल रखा था यहाँ पर, राइट, एज यू कैन सी ओवर हियर दिस वन। सो ये जो है मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और सिंपली हम इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसे समझा देता हूँ कि इसका क्या मतलब है, तो आप लोग ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि इसका इस्तेमाल यहाँ पर कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कर्ल हाइफन एक्स पोस्ट मेथड हाइफन डी पैरामीटर। तो ये पैरामीटर किसके बाद है, इसके बाद, ये डेवलपमेंट वाला, ठीक है, एपीआई फाइल्स डॉट पीएचपी। उसके बाद मैंने लिखा है कि फाइल में आना चाहिए वार डब्ल्यू डेवलपमेंट अपलोडर अपलोडर मेरा फ्लैग, और इसमें को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से रिक्वेस्ट करूंगा तो होगा क्या कि मेरा ये वाला जो है ट्रिगर हो जाएगा, और क्योंकि मेरा यहाँ पर नेटकैट ओपन है तो वो इसको यहाँ से कैप्चर कर लेगा, राइट। तो नेटकैट सेक्शन क्या करेगा, नेटकैट यहाँ से जो मेरी ये चीज है ये ट्रिगर करेगा एलएफआई को, ठीक है, और शेल डॉट जिफ जो है वो क्या करेगी, वो रिवर्स शेल के लिए था तो मुझे वहां से रिवर्स शेल मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ दिस इज वर्किंग। सो हम इसको क्या करते हैं, ट्राई कर लेते हैं, यहाँ से मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ और देखते हैं हमारे पास सेशन आता है कि नहीं आता है। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और एज यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे सेशन आ चुका है। मैं यहाँ पे कनेक्ट हो चुका हूँ सर्वर से, राइट, फ्रॉम दिस टू दिस, राइट, मतलब 192.168.1.9, ठीक है, यहाँ पे हम कनेक्ट हो चुके हैं। तो ये मेरा आईपी एड्रेस है और ये यहाँ पे टारगेट का, ठीक है, यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर चुके हैं, यहाँ पर हम लोग एक्सेस हो चुके हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आईडी भी हम लोग दे सकते हैं, यू आई डी डेरिवेटिव डेटा जी आई डी एंड दिस, ठीक है। सो ये चीज़ हम लोगों ने कर लिया अचीव। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बिन बैश का शेल ले लेते हैं, या फिर जिसको हम लोग पॉन शेल भी कह देते हैं, या फिर हम जिसको बोलते हैं PWN पॉन शेल, राइट। सो पॉनिंग शेल मीन्स यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग क्या कर सके, हम अभी जिसमें है दिस इज डॉलर, राइट, तो कुछ चीज़ें इस पर अच्छे से काम नहीं करती है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर इसको, अगर जैसा भी आप मतलब टर्मिनल चाहते हो कि लोगों को बैश चाहिए होता है, अलग अलग तरह के शेल होते हैं, तो मुझे यहाँ पे बैश शेल चाहिए, तो बैश शेल को लेने के लिए मैं यहाँ पे जो है इसको कर सकता हूँ। तो इसको बैश कैसे कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर पाइथन हाइफन सी इम्पोर्ट, ठीक है, मैं इम्पोर्ट करना चाहता हूँ, ओके इम्पोर्ट पीटीवाई, एज यू कैन सी यहाँ पे बैक फाइल है, यहाँ पे रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल, यहाँ पे जेएस फाइल है, यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल भी है। तो अगर मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊँ, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि वही फाइल है जो कि हम लोग वहाँ पर एक्सेस करते हैं, रिज्यूम हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट और अपार्ट फ्रॉम बींग अ डेवलपर, तो ये यहाँ पर रखी गई है, ठीक है, और यहाँ से इसको सर्व किया जा रहा है आगे, आप समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है
चल रही है। ओके तो आई होप कि अब समझ में आ चुका हो कि ये चीज कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो हम इसको क्लियर तो यहाँ पे नहीं कर, काफी अच्छा है इसके लिए, मतलब यहाँ पे RDS प्रोटोकॉल का भी इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, और लोकल प्रोटोकॉल आइसोलेशन के लिए ये भी काफी अच्छा है। जिन लोगों को नहीं पता RDS प्रोटोकॉल क्या है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो RDS प्रोटोकॉल काफी रिलायबल है। ठीक है, इसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो RDS प्रोटोकॉल का मतलब क्या, रिलायबल डेटा ग्रेम सॉकेट्स। ठीक है, तो ये काफी हाई परफॉर्मेंस देता है, काफी लो लेटेंसी कनेक्शन लेस। तो अगर आपका कनेक्शन जो है बहुत लो टाइप का है, लेटेंसी बहुत कम है, और आप एक बढ़िया परफॉर्मेंस वाला कनेक्शन चाहते हो, तो आप रिलायबल डेटा ग्राम सॉकेट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो उसी पर कुछ बेस यहाँ पर ये हमको देखने को मिल रहा है, इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो काफ़ी रिलायबल भी है। ठीक है, कनेक्शन काफ़ी सही रहेगा इससे। इसका मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर लेता हूँ, इसको हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसे ले सकते हैं सीरीज एक्स्ट्रा पे, या फिर जहाँ मुझे रख सकते हैं कोई ऐसी। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और या फिर पहले हम इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, शो पाथ या फिर जैसे भी करके हम लोग चाहें। ठीक है, तो जनरली जो इसका देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि आप भी यूज़र के अंदर पड़े हुए सारे के सारे, मेरे इसमें यूज़र के अंदर है सर, शेयर स्लैश एक्सप्लॉइट डीबी स्लैश एक्सप्लॉइट्स, फिर तो उसके बाद जो आगे जो चीज़ें लिखी हुई है इसमें एक्सपर्ट के अंदर लिनक्स का है, ये कि लिनक्स का होगा। उसके बाद लोकल के अंदर ये जो इसका नाम है 152.85.c। ठीक है, तो ये चीज़ है इसकी। ठीक है, मतलब ये इसके लोकेशन यहाँ पर ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे डेस्कटॉप पर ले आते हैं। ठीक है, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे ले आया। ठीक है, अब डेस्कटॉप मैंने ऐसे इस तरह लेके आया, मैंने डॉट यहाँ पे डाल के, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, जो भी लोकेशन करंट लोकेशन है वो यहाँ मैंने डिफाइन कर, तो ये यहाँ पर पहुँच चुका है। ठीक है, अब इसको हमें कंपाइल वगैरह बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, बट फिलहाल के हम लोग क्या करते हैं, ये जो एक्सपर्ट है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सर्व कर देते हैं। ठीक है, सर्व कैसे करना है, सर्व करने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो मशीन है मेरी अलग है, और ये सर्वर जो यहाँ पर हमने एक्सेस कर रखा है ये अलग सर्वर है। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरी मशीन से, लोकल मशीन से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो हमें इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर कैसे करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है, दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि या तो एक मॉड्यूल आता है इसका सिंपल HTTP सर्वर का, या फिर अगर ये काम नहीं करता
0.0 का मतलब क्या है यहाँ पर, 0.0 बहुत ही एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली एक कि आप लोग आईपी वर्जन 4.6 पढ़ते हो तो उसके अंदर बाकी जो क्लास ए बी क्लास सी क्लास डी होती है तो उसमें लोकल होस्ट हम लोगों को समझाते हैं, उसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट 0.0.0 का कॉन्सेप्ट भी होता है। तो नेटवर्किंग में कभी बताऊंगा इसका मतलब क्या है एक्चुअल में। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो एज यू कैन सी हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमें सिंपल चीज़ें यहाँ पे करनी है, दैट इज की हम लोग अपना आई पी एड्रेस यहाँ पर निकालना है, हमारा आई पी एड्रेस है, ठीक है, दिस इज और आई पी एड्रेस। तो अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से डालूंगा तो भी यहाँ पर आएगा राइट, तो ये हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं डब्ल्यू गेट पेस्ट, और यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्लॉइट का नाम था 152.15285.c, ठीक है। तो ये मैं वहां से अपने मशीन से यहाँ पे गेट करवा लेता हूँ, ठीक है, ये गेट हो गया। उसके बाद इसको हम परमिशन दे देते हैं, एक्सक्लूडेबल परमिशन राइट, ये दे दी मैंने इसको 152.85.c chmod 777 152 152 85.c, ठीक है, परमिशन मिल गई। अब इसको बात क्या करना है, इसको हम लोग यहाँ पे रन कर सकते हैं, ठीक, कंपाइल वगैरह भी करना है, हालांकि इसको कंपाइल करना भूल गए, कंपाइल कर देते हैं GCC से, तो GCC से हम इसे कंपाइल कर देते हैं। इसका नाम है 152.85.c, ठीक है, और इसको हम आउटपुट में रख देते हैं, ठीक है, आउटपुट इसका रहेगा वही रख दे, इसका नाम रख देते हैं या फिर 152.85, ठीक है, ये इसका आउटपुट रहेगा। तो ये कंपाइल हो रहा है अभी, तो कंपाइल हो गया। इसके बाद इसको परमिशन देनी थी हमें, परमिशन दे देते हैं CHMOD 777 152 85, ठीक है, परमिशन दे दी। अब उसके बाद जो इसको हम लोग रन कर देते हैं, ठीक है, तो परमिशन देने का इसको रन कर देते हैं 152.85 और इसको रन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिनक्स कर्नल जो है RDS एक्सप्लॉइट यहाँ पे रन कर रहा है, ठीक है, और कर्नल एड्रेस को यहाँ पे रिजॉल्व करने के बाद सिक्योरिटी ऑप्स को यहाँ पे रिजॉल्व करने के बाद डिफॉल्ट सिक्योरिटी ऑप्स करने के बाद ट्रेस में रिजॉल्व कर, इन सबको रिजॉल्व यहाँ पर कर दिया, ठीक है। रिजॉल्व करने के बाद यहाँ पर ओवरराइड किया गया सिक्योरिटी ऑप्स को और ओवरराइड किया गया फंक्शन ऑपरेटर को, पेलोड को ट्रिगर किया और फंक्शन पॉइंटर को वापस से रिस्टोर कर दिया, और यहाँ पे गॉट रूट, यहाँ पर रूट हो चुके हैं, SS का कहना है। तो ID चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके, हम लोग यहाँ पे जो रूट है ID मिल चुकी है, ठीक है, तो ये हो गया हम रूट। अब यहाँ पर इसके बाद मैं जाता हूँ CD रूट में, और ओके CD कांट टू रूट, ओके, इसके यहाँ पे LS करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास, यहाँ पे तो कुछ है नहीं वैसे फिलहाल में भी। सो VMware दिख रहा है मेरे को, VMware रूट मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और देखते हैं यहाँ पे कुछ अपने को मिलता है क्या, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा। सो हम लोग क्या करते हैं LS करते हैं और बैक जाते हैं, ओके। सो यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा, यहाँ पर भी रूट देखने को नहीं मिल रहा, तो मैं CD/root करता हूँ, ठीक है, ओके। तो /root करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हो, ठीक है, अब हम लोग करते हैं cat root.txt, ठीक है, सिंपली। सो ओके गाइस, तो हम लोग ने तो सॉल्व कर लिया है, वेरी गुड, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें समझने वाली जो हमने अभी तक समझी नहीं है, दैट इज़ कि ये क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आपको समझाता हूँ, लिनक्स कर्नल यहाँ पे हम लोगों ने इस्तेमाल किया, ठीक है, 2.6.30 काम ने यहाँ पे एक्सप्लॉइट रन किया, एक्सप्लॉइट रन करने के बाद इसने कर्नल एड्रेस को रिजॉल्व करा। अब मैं देखो आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, हालांकि मैं इसको समझाने बैठूंगा मैं इसके ऊपर 10 घंटा दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको मुझे आसानी से समझाना है फटाफट से, काफ़ी ऑलरेडी लंबा हो चुका है। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या, कर्नल एड्रेस को यहाँ पर रिजॉल्व किया गया, सिक्योरिटी ऑप्स टू दिस, ठीक है, यहाँ पर रिजॉल्व। अब रिजॉल्व का मतलब क्या होता है, नॉर्मल भाषा में देखो, अगर मान के चलो आप लोगों को चीज़ें नहीं भी आती है, ठीक है, तो चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा में देखा करो, जैसा आपको समझ में आए। तो यहाँ पे देखो रिजॉल्व का मतलब क्या होता है, टू फाइंड आंसर टू अ प्रॉब्लम, ठीक है, टू फाइंड आंसर टू अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर रिजॉल्व का मतलब क्या होगा, ठीक है, रिजॉल्वमेंट टेक्निकली भी अगर देखोगे तो चीज़ यही पड़ेगी, मतलब दोनों का मतलब एक ही है यहाँ पर। तो देखो रिजॉल्व क्या, सिक्योरिटी ऑप्स को, तो यहाँ पर इसके अंदर प्रॉब्लम थी क्या, प्रॉब्लम इसमें प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी कि हमें रूट चाहिए, ठीक है, बट हम रूट ले नहीं पा रहे थे,
को रिजॉल्व करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर सिक्योरिटी ऑप्स के अंदर किसी ऑफसेट के अंदर या किसी इस चीज़ के अंदर उसको जो है ओवरराइड किया गया, ठीक है, यहाँ पर ओवरराइड किया गया सिक्योरिटी ऑप्स को। ओवरराइड करने के बाद उसको उस स्थिति में ला दिया गया जहाँ पर जिसका पासवर्ड या जिसकी वो चीज़ इसको पता थी कि बाद में जब पेड़ को ट्रिगर करेंगे इसके अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट लेट्स से आप बता रहा हूँ आपको मैं कि लेट्स से इसके अंदर पेलोड के अंदर क्या क्या होगा कि यूजर नेम पासवर्ड जैसे मान के चलते हैं ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन, तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू सेट की गई है, ठीक है, ताकि जब ये पेलोड ट्रिगर हो तो वो क्या कर सके उस ऑथेंटिकेशन उस ऑथराइजेशन को ले सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि सिक्योरिटी ऑप्स के अंदर इसका मतलब मान के चलते हैं था जो भी आईडी और पासवर्ड था मान के चलते हैं, ठीक है, तो उसे कर दिया गया ओवरराइड। ओवरराइड करने का मतलब क्या है कि जो भी सुनने था अब वो नहीं रहा, अब वो हो चुका है जो ये चाहता था, ठीक है, ये जो स्क्रिप्ट चाहती थी। तो यहाँ पर मान के चलो आईडी पासवर्ड हो चुका है 123123, ठीक है, तो उसके बाद जब पेलोड को ट्रिगर किया गया तो क्योंकि ये तो ओवरराइड हो चुकी थी इसकी वैल्यू सिक्योरिटी ऑपरेशन की, तो यहाँ पर 123123 जब इसने डाला तो वो लॉग इन हो गया। कुछ ऐसा आप लोग उसको समझ सकते हो, हालांकि ऐसा नहीं हुआ है बट ऐसा आप लोग समझ सकते हो, हुआ मतलब काफ़ी हद तक यही है। तो यहाँ पर बाकी डिफॉल्ट सिक्योरिटी ऑपरेशन को भी ओवरराइड किया गया, ठीक है, ट्रेस मी को भी और बाकी चीज़ें भी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज़ यहाँ पर की गई है। काफ़ी जो स्क्रिप्ट्स होते हैं उसमें आप लोग ऐसा भी बना सकते हो उसको, जब हम लोग एक्सपर्ट डेवलपमेंट करते हैं तो आप उसको ऐसा भी बना सकते हो कि जो आपके ट्रेसेस होते हैं ट्रेसेस कहाँ कहाँ पे होती है वो आपको पहले पता लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको फॉरेंसिक आनी चाहिए या फिर नॉर्मल चीज़ें लॉग एनालिसिस कहाँ कहाँ पे होते हैं वो आप पता कर लो। उसके बाद आप ऐसी स्क्रिप्ट के अंदर कुछ और चीज़ें भी जोड़ सकते हो कि जितनी भी कमांड्स मैंने डाली है पिछली वो सारी की सारी डिलीट हो जाए, जितनी भी रिक्वेस्ट मैंने की वो सारी सारी डिलीट हो जाए और बैक टू नॉर्मल हो जाए, तो वो चीज़ आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, सिंपल सिंपल। बाकी जो तीन लाइन हैं जो तीन कमांड आपने डाले वो तो आप वैसे भी हटा सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कैसे ये चीज़ें काम करती है, कैसे हम लोगों ने इसको किया। तो दिस इज़ हाउ दिस ऑल थिंग्स वर्क। हमने समझा कि साइकोलॉजी भी यहाँ पर काम में आती है, हमने कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर समझी, राइट, कि API क्या होती हैं, कैसे हम लोग सर्वर क्रिएट करते हैं, कैसे लोकल से हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो दीज आर सम थिंग्स जो मुझे आप लोगों को समझानी थी। तो हम लोगों ने एक इंटरमीडिएट लेवल की मशीन को सॉल्व किया है और बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोगों ने की। हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरीके से LFI वल्नरेबिलिटी की मदद से हम लोग जो है चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर दो वल्नरेबिलिटी थी, अपलोड वल्नरेबिलिटी, अपलोड फंक्शनलिटी वल्नरेबिलिटी, और यहाँ पर थी एक LFI वल्नरेबिलिटी। दोनों को हम लोगों ने मिक्स करके क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने एक्सेस ले लिया, ठीक है। सो दिस इज थिंग विच वी हैव टू डू विच वी हैव डन विद राइट नाउ, ओके। सो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप लोग कौन सी वीडियो देखना चाहते हो, किस चीज़ के ऊपर देखना चाहते हो, वर्नअप की मशीन्स में आगे इस तरीके से कंटिन्यू करूँ, या मैं पोर्ट सिगर की लैब्स जो हैं उसको कंटिन्यू करूँ, या मैं ट्रायहैक में को शुरू करूँ, जो भी आप लोग चाहते हो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, कम्युनिटी के पोल्स में बता सकते हो, जैसा भी आप लोग चाहो, ठीक है, तो हम उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समझने लायक हैं, हम एक ही लैब से आज इतना कुछ समझ रहे हैं तो इसका मतलब बहुत सारे ऐसे लैब्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप उनको कवर अप करते चलेंगे तो फिर तो बहुत कुछ सीख जाएंगे, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, ओके। सो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और शेयर कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग पेन टेस्ट विद रोहित यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।